Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the group velocity of de Broglie wave and particle velocity. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो group velocity होती है कि de Broglie wave भी वो particle velocity के equal होता है जब हम relativistic case में आते हैं. तो चलिए discuss करते हैं कि किस तरीके से group velocity relativistic case आने पर particle velocity के equal हो जाती है. particle velocity means एक तरह से wave velocity. So चलिए discuss करते हैं. तो हमें यह पता है कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दे ब्रॉगली वेव इसको हम डिनोट करते हैं वीजी से और इसका मान होता है डी ओमेगा बाई डी के. ये एक्सप्रेशन है ग्रुप वेलोसिटी के लिए. तो अब हम ये शो करेंगे यहाँ पे, ये प्रूफ करेंगे कि जो ये ग्रुप वेलोसिटी है ये एक्चुअली इक्वल हो जाएगी पार्टिकल वेलोसिटी के. भी है हमारा यहाँ पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है. तो हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक केस में, क्योंकि उसी केस में ऐसा होता है. अदरवाइज़ हम रिलेशन पढ़े हैं जो भी जो वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच होता है वो अलग होता है. तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है. किस केस में? रिलेटिविस्टिक केस में. रिलेटिविस्टिक केस के लिए, ठीक है. तो फॉर रिलेटिविस्टिक केस वी हैव, रिलेटिविस्टिक केस में हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं p इक्वल टू एम वी. और रिलेटिविस्टिक आएगा तो मास हमारा वेरी करेगा, जैसे जैसे मास रिलेटिविस्टी रिलेटिविटी की तरफ बढ़ता है तो मास में वेरिएशन आता है. तो इसको हम डिनोट करते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, और यह सिंपली वी है. उसी तरीके से हमारा जो एनर्जी वाला टर्म है आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. तो रिलेटिविस्टिक के केस में एनर्जी और मोमेंटम इस तरीके से हम लिख सकते हैं. इसके बाद एक रिलेशन आता है एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, वो होता है E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम या रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. तो ये रिलेशन काफ़ी फेमस है रिलेटिविटी के अंदर में. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओमेगा है तो हम यूज करते हैं E इक्वल टू एच न्यू, या इसको फिर हम लिख सकते हैं एच अपॉन टू पाई और ये टू पाई न्यू. हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ओमेगा के टर्म में, क्योंकि यहाँ जो वीजी दिया हुआ है वो ओमेगा के टर्म में है. तो इसको हम ओमेगा के टर्म में बनाएंगे तो एच अपॉन टू पाई को लिख सकते हैं एच बार, और ये टू पाई न्यू को लिखते हैं ओमेगा. सो ओमेगा इज टू पाई न्यू. तो हमें मिल गया एक रिलेशन E इक्वल टू एच बार ओमेगा, ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो दूसरी चीज़ है, यहाँ से हम अगर वीजी को निकालना चाहें तो वीजी को लिख सकते हैं डी बाई डी के और ओमेगा. ओमेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ से हम फाइंड करें ओमेगा तो ये हो जाएगा सिंपली ई अपॉन एच, क्लियर. सो दिस इज ई अपॉन एच बार, तो यह हो जाएगा सिंपली ई अपॉन एच बार, क्लियर. या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे h बार को हम बाहर कर लें और ये हो जाएगा de अपॉन dk, ठीक है.
और एक रिलेशन और हम जानते हैं, जो हमारा मोमेंटम होता है पी, वो होता है एच क्रॉस के। क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम होता है वो होता है एच क्रॉस या एच बार, इसको बोलते हैं एच बार के। तो यहाँ से अगर हम के फाइंड करेंगे, ये के यही के है जो यहाँ पे है स्मॉल के, सो के इक्वल टू, के इक्वल हो जाएगा पी अपॉन एच बार। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एच बार और ये हो गया डी ई अपॉन डी, और के प्लस में हो जाएगा पी अपॉन एच बार। एच बार क्लियर। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये एच और ये, एक तरह से एच को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एच बार अपॉन एच बार और ये हो गया डी ई अपॉन डी पी। क्लियर, दिस इज डी और ये डी पी, और ये एच बार को हमने बाहर ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हमें मिल गया डी ई अपॉन डी पी। तो हमने क्या पाया, रिलेटिविस्टिक केस में जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वीजी, वो किसके बराबर होती है, डी ई अपॉन डी पी के इक्वल में। अब यहीं से हम इस एनर्जी वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि डी ई बाई डी पी कितना होगा, एंड देन हम शो करेंगे इसको वीजी इक्वल टू वी। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं इसको या फिर इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो अगर इस रिलेशन को हम सॉल्व करें, सो ये हमें मिल चुका है यहाँ से डी बाई डी पी, डी अपॉन डी पी, और इसको हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ये पहले तो अगर हम ई को कैलकुलेट करें तो ई हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर, इसका पावर हो जाएगा हाफ। तो सिंपली हमें वीजी मिल जाएगा, वीजी इज इक्वल टू डी अपॉन डी पी, और ई की वैल्यू ये है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर पावर हाफ। तो अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ, क्लियर, और ये हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर इंटू, यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा तो वो नीचे आके हाफ हो जाएगा, फिर हम पी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा सी स्क्वायर और टू पी। क्लियर, ये होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं पी के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा हाफ, फिर इसका पावर माइनस हाफ जो कि नीचे आएगा, फिर इसका सी स्क्वायर और टू पी, नेक्स्ट वन बाई टू। अब ये क्या है, ये ई ही तो है, हमने इसी रिलेशन को यूज़ किया था, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर, तो ई हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर का पावर हाफ, सो दिस इज नथिंग बट ई, सो वन अपॉन ई इंटू सी स्क्वायर, और टू टू तो कैंसिल हो जाएगा तो इस टर्म को हम हटा लेते हैं, तो इस टर्म की ज़रूरत नहीं है, सो टू और टू कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल पी आ रहा है पी, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये सिंपली एम सी स्क्वायर है, ई जो है आइंस्टीन्स रिलेशनशिप, तो ये हो जाएगा पी सी स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर, और ये देगा
पी बाई एम, और पी बाई एम इज नथिंग बट वी, क्लियर। ओके, मोमेंटम होता है हमारा पी इक्वल टू एम वी। सो पी बाई एम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली वी। तो फाइनली हमें मिल गया वी जी इक्वल टू वी, दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द ब्रॉबली वेव इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। सो यही हमें यहाँ पे शो करना था कि रिलेटिविस्टिक के केस में जो ग्रुप वेलोसिटी होती है द ब्रॉबली वेव की, वेव पैकेट की, वो इक्वल होती है पार्टिकल के वेलोसिटी के, ठीक है। यानी जिस बॉडी या जिस पार्टिकल के साथ ग्रुप वेलोसिटी एसोसिएट होती है वो उसी पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी के ऊपर ही। तो ये है क्वेश्चन, द वेव वेलोसिटी इन वाटर, एक सेकंड। सो वेव वेलोसिटी इन वाटर इज वी इक्वल टू अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन टू पाई। सो वेव वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी वी इक्वल टू अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन टू पाई। सो वेव वेलोसिटी, प्रूव दैट द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज हाफ ऑफ इट्स फेज वेलोसिटी। तो हमें ये शो करके दिखाना है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो फेज वेलोसिटी का हाफ है। यानी हमें ये प्रूफ करना है वीज इज वी बाई टू या सिंपली वी पी बाई टू। फेज वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी बोलते हैं, या तो हमें यही प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा, वेव वेलोसिटी गिवन है और हमें ये शो करके दिखाना है कि ग्रुप वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम वेव वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, ये गिवन है जी लैम्डा अपॉन टू पाई। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, या इसको फिर हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जी अपॉन टू पाई बाई लैम्डा, क्लियर। ये तो बाई डेफिनेशन है, सो लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन वेव वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ये हो जाएगा जी, ये तो गिवन ही था। फिर हम लैम्डा को नीचे ला रहे हैं और फिर इसको लिख सकते हैं जी अपॉन टू पाई बाई लैम्डा होता है के, के इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा। सो दिस इज के टू पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो हमें मिल गया, यहाँ से अगर हम फॉलो करें तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई के, ठीक है। ये है ओमेगा बाई के और यहाँ पे अंडर रूट जी बाई के। अब इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो ओमेगा हमें मिलेगा अंडर रूट जी के, यहाँ पे के अंडर रूट में है और यहाँ पे के बाहर है, तो इसे कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा अंडर रूट जी के। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी। सो वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी वी जे इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। सो बाई डेफिनेशन ग्रुप वेलोसिटी होती है एक तरह से डी ओमेगा बाई डी के। तो यहाँ पे हम इसीलिए हमने इसको के फॉर्म में यहाँ पे चेंज किया, क्योंकि हम उससे हम ग्रुप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको के फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट किए कि जब हम ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे तो वहाँ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सो ये हो जाएगा डी बाई डी के, ओमेगा की वैल्यू क्या है अंडर रूट जी के। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हाफ अंडर रूट जी, और के आएगा अपॉन में अंडर रूट के,
क्लियर। तो यही होगा, तो ये हो गया हाफ अंडर रूट जी बाई के, क्लियर। और ये हो गया वी जी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो वेव वेलोसिटी आया था, वेव वेलोसिटी वी जो थी वो किसके बराबर था, वेव वेलोसिटी वी हमारा किसके बराबर था, अंडर रूट जी बाई के, यही तो है, यही तो है हमारा फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। और यहाँ पे वही टर्म आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली वी पी बाई टू। सो दिस इज वी पी और अपॉन में टू। तो ये प्रूफ हो गया कि वी पी वी जी इक्वल टू वी पी बाई टू। तो ऐसे क्वेश्चंस इंट्रेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं। देखने में ये वेलोसिटी टर्म बड़ा टिपिकल जैसा लग रहा था, लेकिन उसको हम पहले उस फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे इस तरीके से जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा ग्रुप वेलोसिटी निकालना भी आसान हो जाएगा। ग्रुप वेलोसिटी को भी हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें सेम रिलेशन मिल जाएगा। सो यही प्रूव करना था क्वेश्चन में कि ग्रुप वेलोसिटी इज़ हाफ ऑफ इट्स फेज वेलोसिटी। सो दिस इज़ ग्रुप वेलोसिटी हाफ ऑफ द फेज वेलोसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एकेडमी लेवल पे भी, बीएससी में भी, या फिर उसमें भी जो एंट्रेंस वगैरह आते हैं, बीएससी हो चाहे एमएससी का एंट्रेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर आता है कि आपको एक्यूरेसी का परसेंटेज दिया होगा कि वेलोसिटी कितनी परसेंट है या फिर मोमेंटम कितनी परसेंट है, और उसके हिसाब से फिर पूछता है कि पोजिशन में एक्यूरेसी कितने परसेंट होगी। तो चलिए क्वेश्चन वहाँ से भी देखते हैं।